नाउ लाइव, हर जुर्म का पर्दा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में अवैध रूप से चल रहे पैथोलॉजी के खिलाफ जिले के जाने माने समाजसेवी रामानंद मिश्र ने मोर्चा खोल दिया है। समाजसेवी रामानंद मिश्र ने जिलाधिकारी अरुण कुमार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसएन दुबे को नगर क्षेत्र चल रहे आरोही पैथलैब सहित अन्य पैथोलॉजी के बारे में ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है कि पूरे जिले में कई ऐसे पैथोलॉजी हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के अवैध रूप से मरीजों से मोटी धनुगाही करने के साथ मरीजों को गलत रिपोर्ट भी प्रेषित कर उनकी जान जोखिम में डाल रहे हैं। पूरी तरह से लगे हुए हैं कि जो भी झोला छाप यहाँ है मऊ जनपद में उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए पूरी तैयारियां चल रही हैं। पहले उनको हम चिन्हित कर रहे हैं, चिन्हित करने के बाद उनको नोटिस जारी की जा रही है और नोटिस के अंदर उनको अपने रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र जो भी चला रहे हैं और उनके जो डॉक्टर हैं उनके डिग्री का प्रमाण पत्र हमें उपलब्ध सीएमओ कार्यालय को उपलब्ध कराए स्थिति में उनके खिलाफ उनको सील किया जाएगा और FIR की कार्रवाई की जाएगी। पैथोलॉजी को भी नोटिस जारी किया जा रहा है कि आपके पैथोलॉजी जो भी हैं उनकी डिग्री को हमारे यहाँ करिए और आपका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं उसको अपना सत्यापित करिए, जो लोग सत्यापित नहीं कर पाएंगे उनको भी सील किया जाएगा। वही लैब है जो मनमानी ढंग से वसूली कर रहा है, आवाम का शोषण कर रहा है, बहुत रिपोर्ट दे रहा है, न उस पर साक्ष्य न कर प्रमाण है। इसके संबंध में माननीय जिलाधिकारी ने ज्ञापन दिया है, उचित जांच का उचित कार्रवाई करें। ये लंबे समय से मिल रहा था और कहने पर बात नहीं मानता है, आम आदमी पढ़ाई हो जाता है। किनको ज्ञापन दिया है आपने? माननीय जिलाधिकारी को दिया है। क्या मांग कर रहे हैं इसके लिए? मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष जांच कर दोषियों के कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने की प्रक्रिया।